सब्सक्राइब करें न्यूज सेल हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथ में घंटी को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अफगानिस्तान व बांग्लादेश के बीच खेले गए T20 सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 45 रन से हराकर सीरीज में 1-0 कई बढ़त बना ली। अफगानिस्तान की ओर से फिरकी गेंदबाज राशिद खान, नबी व शापुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 122 रन पर सिमट गई। राजधानी देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान को मोहम्मद सहजाद व उस्मान घानी की सलामी जोड़ी ने सधी शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े। इस स्कोर पर उस्मान 26, रुबेल के अंदर आती गेंद पर गच्चा कहा गए और बोल्ड हो गए। उन्होंने 24 गेंदों का सामना करते हुए अपनी पारी 2 चौके व 1 छक्का लगाया। दूसरे क्रम पर खेलने आए टीम के कप्तान असगर स्टेनिकजाई ने सहजाद के साथ पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि दोनों बड़ी साझेदारी नहीं कर 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर सहजाद 40, शाकिब अल हसन के गेंद पर महबुल्ला को कैच थमा बैठे। 90 के योग पर अफगानिस्तान को तीसरा झटका लगा। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए महमूदुल्लाह ने अफगानिस्तान को 2 झटके दिए। नजीब जदरान 0-2 को आउट करने के बाद उन्होंने नबी को खाता खा ले बिना ही पवेलियन भेज दिया। एक समय अफगानिस्तान की टीम लड़खड़ाती दिख रही थी। ऐसे में शेनमरी 36 व अशरफ 24 ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर चौके छक्कों की बारिश कर दी। टीम के कप्तान असगर 25 रन आउट होकर पवेलियन लौटे। राशिद खान ने अंतिम गेंद पर छक्का मारकर दर्शकों की वाहवाही लूटी। अफगानिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 167 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से महमूदुल्लाह व अबुल हसन ने 2-2 विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को शुरुआती झटके लगे। सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। लिटन दास 30 व शाकिब अल हसन 15 ने रनों की गति बढ़ाने का प्रयास। इसके अलावा मुशफिकुर 20 व महमूदुल्लाह 29 ने भी तेजी से रन बटोरने की, लेकिन अफगानिस्तान की कसी गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं सके। बांग्लादेश की पूरी टीम 18.5 ओवर में 122 रन बनाकर आउट हो गई। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने 3 ओवर में मात्र 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा शापुर जादरान ने 3 और मोहम्मद नबी ने 2 विकेट चटकाए। राशिद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीते 2 साल उनके लिए बेहतरीन रहे, खासतौर पर IPL के बाद यह जीत खास है। इंडिया के साथ टेस्ट को लेकर कोई अलग तैयारी नहीं, बस पूरे मन से खेलना है। 2 साल से अलग अलग माहौल में खेल रहा हूं और उसे एंजॉय कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह प्रोफेशनल क्रिकेट है तो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होता है। मेरी कोशिश है कि खुद को फिट रखूं। IPL में जहां भी खेला हूं भीड़ से बहुत सपोर्ट मिला है, दूर में दर्शकों से भरपूर प्यार मिला। अफगानिस्तान ODI और T20 में बेहतर कर रहे हैं, अभी किसी बदलाव की जरूरत नहीं। कल ही टीम के साथ जुड़ा तो मैच से पहले ज्यादा बात नहीं हो पाई साथी खिलाड़ियों के साथ, बस टीम एक दूसरे को सपोर्ट करने से आगे बढ़ रही।